नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर ऑब्जेक्टिव सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की थर्ड क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर। तो ये बहुत सरल सा प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि कंप्यूटर में इनमें से कौन सा है जो इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन आपके लिए स्पीकर है, प्रिंटर है, स्कैनर है या मॉनिटर है। तो ये बड़ा सरल सा सवाल है। इसमें स्पीकर, प्रिंटर, मॉनिटर ये सारे के सारे आउटपुट डिवाइस हैं। स्कैनर जो है वो इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आता है। क्या होता है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, उसके बारे में आपको जानकारी होगी। इनपुट डिवाइस का मतलब जिनके माध्यम से आप कंप्यूटर को निर्देश देते हो, और आउटपुट डिवाइस का मतलब जिनके माध्यम से आपको रिजल्ट प्राप्त होता है। ठीक है, तो चलिए ये तो बड़ा आसान था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। ट्रांजिस्टर जो है वो किस जनरेशन में बना था, ये एक सवाल है कंप्यूटर जनरेशन से रिलेटेड, जिसमें कुल 5 जनरेशन कंप्यूटर की बताई गई है। और यहाँ पर ये पूछा गया कि ट्रांजिस्टर जो है वो किस जनरेशन में बना है, फर्स्ट में, सेकेंड में, थर्ड में या फोर्थ में। तो इसका सही आंसर होगा सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन में बना था ट्रांजिस्टर। अब अगर अपन इसको एक बार देखें, फर्स्ट जनरेशन में क्या आया था, फर्स्ट जनरेशन में आया था वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब था, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर था, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट बना था, और फोर्थ जनरेशन में VLSI बोल सकते हैं या माइक्रो प्रोसेसर बोल सकते हैं वो बना था। और फिफ्थ की बात करें तो आज के समय में AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय चल रहा है। तो ये 5 जनरेशन इसमें बांटी गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रैक बॉल इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस। ट्रैक बॉल क्या होता है, क्या इनपुट डिवाइस है या टच पैड है या आउटपुट डिवाइस या बार कोड रीडर है। तो ट्रैक बॉल बेसिकली एक इनपुट डिवाइस कहलाता है, जिसके माध्यम से आप डेटा एंटर कर सकते हैं कंप्यूटर में। पिछली क्लास में भी अपने ट्रैक बॉल के बारे में जानकारी देखी थी। अगला प्रश्न है, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज यूज्ड टू कंट्रोल एयर ट्रैफिक एंड रेडार ऑफ नेशनल डिफेंस। तो नेशनल डिफेंस के अंतर्गत रेडार को और एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। अब यहां पर ऑप्शन दिए, एक तो पर्सनल कंप्यूटर दिया, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि ये आप पर्सनल इस्तेमाल के लिए करते हैं। दूसरा एनालॉग कंप्यूटर है। अब चूंकि एनालॉग कंप्यूटर का मतलब होता है केवल भौतिक इकाइयों की गणना करने वाला, तो ओनली इसको अगर अपन बोले तो ये भी नहीं होगा, और केवल डिजिटल बोले तो वो भी नहीं होगा, क्योंकि जो एयर ट्रैफिक या रेडार की बात करें तो इसमें आपको एनालॉग और डिजिटल दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए इसका आंसर होगा हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो एनालॉग और डिजिटल दोनों के गुण रखते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा हाइब्रिड कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, हाउ मैनी फंक्शंस कीज आर प्रेजेंट ऑन अ स्टैंडर्ड पीसी कीबोर्ड। एक स्टैंडर्ड पीसी कीबोर्ड में फंक्शन की जो होती है, आपने देखोगा F1, F2, F3 ऐसा लिखा रहता है, तो वो कितनी होती है, 10 है, 9 है, 12 है या 15 है। बेसिकली यहां पर अगर अपन देखें किसी भी कीबोर्ड को, तो उसमें F12 तक की फंक्शन कीज पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी कीज होती हैं, लाइक अल्फा न्यूमेरिक होती है, न्यूमेरिक कीज होती है, स्पेशल कीज होती हैं, टोगल कीज होती हैं। तो फंक्शन की अगर बात करें तो 12 फंक्शन कीज इसमें पाई जाती है। तो ये थे आज के वीडियो के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी प्रकार से और भी जॉब रिलेटेड तैयारी के लिए, जो भी आप कंप्यूटर सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव की तैयारी करना चाहते हैं, ये ऐसे प्रश्न हैं जो SSC में या UPSI में या इवन CPCT में भी इसी प्रकार के कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर आप इन क्लासेस को अटेंड करते हैं तो आपकी गवर्नमेंट जो प्रिपरेशन है वो भी होगी, साथ में CPCT की तैयारी भी आपकी होगी, कंप्यूटर का नॉलेज भी आपको बढ़ेगा। तो इन सभी वीडियोस को देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।